हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है रोप हीरो वाइस टाउन गेम की एक और धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस अभी आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे एक कार खड़ी है। तो गाइस ये कोई कार नहीं बल्कि ये है एक सुपर कार। गाइस ये है फरारी 10 सुपर कार और ये मैंने आज ही खरीदी है पूरे 2 करोड़ रूपए में। अभी मैं सोच रहा हूँ जल्दी से चलकर ये वाली सुपर कार टिप्सन दादा को भी दिखाता हूँ और इसे देखने के बाद टिप्सन दादा तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलो अभी फटाफट से अपनी कार के अंदर बैठते हैं और चलते हैं टिप्सन दादा के घर। और अभी ये देखो मैंने कार का डोर ओपन कर लिया, तो अभी मैं बैठ चुका हूँ कार के अंदर। तो चलो अभी चलते हैं। तो जब तक मैं टिप्सन दादा के घर पे पहुंचता हूं आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये देखो यार अभी मैं पहुंच गया टिप्सन दादा के घर पे, लेकिन ये क्या यार आते ही मैंने तो यहाँ पर लाइट वाला पोल ही तोड़ डाला। तो अभी मैं फटाफट से इस पोल को साइड में कर देता हूँ और गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। और अभी फाइनल यार अपनी फरारी कार को हमने यहाँ पर पार्क तो कर दिया है। तो चलो अभी चलते हैं टिप्सन दादा के पास में। हेलो टिप्सन दादा, कैसे हो? अरे छोटे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन ये बता यार ये फरारी कार किसकी उठा लाया? अरे टिप्सन दादा ये फरारी कार मेरी है, मैंने पूरे 2 करोड़ रूपए में इसे आज ही खरीदा है। अरे क्या बात कर रहा है छोटे, यार ये तो एकदम जबरदस्त लग रही है। अरे वाह यार पैदल घूमने का भी अलग ही मजा है। अरे लेकिन ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये फरारी कार और वो भी टिप्सन के घर के बाहर। लेकिन ये टिप्सन के घर के बाहर क्या कर रही है? चलो अभी पास में चल के देखता हूँ कहीं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं आया टिप्सन के घर पे। तो ये देखो यार लेकिन इसके अंदर तो कोई भी नहीं बैठा है। अभी एक काम करता हूँ टिप्सन से ही चल के पूछता हूँ आखिर ये कार है किसकी। और ये क्या यहाँ पर तो रॉप हीरो भी खड़ा है। अरे रॉप हीरो टिप्सन ये फरारी कार आखिर किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है? अरे सुपर हीरो ये फरारी कार मेरी है और मैंने इसे आज ही खरीदा है। क्या बात कर रहा है यार रोप हीरो, ये तो मेरी ड्रीम कार है, एक बार चला लूं क्या? ये कि टिप्सन दादा के घर के बाहर फरारी कार खड़ी है, लेकिन ये है किसकी? ये टिप्सन दादा ये फरारी कार किसकी है और यहाँ पर कैसे खड़ी है? अरे भाई मटेंटी ये फरारी कार मेरी है और इसे मैंने ही खरीदा है। ये रोप हीरो भाई आपने फरारी कार खरीद ली, एक बार इसकी चाबी दो ना, मेरे को इसको चला कर आना है। चाबी जा मोटे आलू, अपनी शक्ल भी देखी है, गरीब कहीं का आया बड़ा फरारी कार चलाने वाला, चल फुट यहाँ से। ये मुझे गरीब बोला और मेरे को मोटा आलू भी बोला, मेरी इतनी नहीं बेइज्जती। जाओ अब मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगा। ये चलो अब मैं इन लोगों से कभी भी बात नहीं करूंगा, इन्होंने मेरी बेइज्जती की है। यार सुपर हीरो ये क्या बोल दिया, देख वो तो नाराज होके यहाँ से चला गया। अरे जाने दे रॉप हीरो, ऐसे ही है, आ जाएगा शाम को वापस। अरे वो सब छोड़, चल हम लोग इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेने चलते हैं, फटाफट से आजा। अरे भाई चल टिप्सन तू भी आजा, तुझे भी घुमा कर लाता हूँ फरारी कार में। नहीं रॉप हीरो यार तू घूमिया, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं शाम को तेरे साथ चलूंगा। अयो मेरे पास अपनी कार नहीं है तो उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अयो अब तो चाहे से कुछ भी हो जाए मुझे भी एक तगड़ी सी सुपर कार लानी पड़ेगी और इन लोगों को दिखाना पड़ेगा। अयो लेकिन कार लाऊंगा कहाँ से, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। आइडिया, एक काम करता हूँ जल्दी से लॉस सैंटोस चलता हूँ, वहाँ पर कोई ना कोई सुपर कार तो मुझे मिल ही जाएगी। आइयो इतनी दूर साइकिल चलाते चलाते तो मेरी हवाई टाइट हो चुकी है, अभी मैं और साइकिल नहीं चला सकता। और यहाँ पर लॉस सैंटोस में आने के बाद भी मुझे तो कोई भी सुपर कार नजर नहीं आ रही है। अभी क्या करूँ, बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मेरे तो अभी पैर भी दुखने लगे, अब मैं आगे तक साइकिल नहीं ले जा सकता। आइयो लेकिन एक मिनट यार, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये हल्क सामने क्या कर रहा है? आइयो मुझे तो लगता है ये हल्क का घर है। तो चलो अभी चलकर देखता हूँ आखिर ये हल्क वहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहा है। ये तो चलो अभी एक काम करता हूँ, अपनी साइकिल को तो मैं यहाँ पर पार्क कर देता हूँ और चुपचाप से इसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखता हूँ। तो ये देखो अभी साइकिल को तो मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया, लेकिन ये हल्क यहाँ पर कर क्या रहा है, चलो देखते हैं। ये क्या, इस हल्क के पास में तो एक सुपर कार है जो की ग्रीन कलर की है और ये हल्क तो यहाँ पर खड़े खड़े अपनी कार को साफ कर रहा है। कैसा रहेगा अगर मैं इस हल्क की कार को चोरी कर लूँ, इसकी कार तो काफी तगड़ी भी लग रही है। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन इसकी कार को चोरी कैसे करूँ, अगर इसके सामने गया तो ये तो मेरा भरता बना देगा। अभी मेरे को इस हल्क को यहाँ से जाने का इंतजार करना पड़ेगा। अरे वाह यार अभी तो हल्क ने अपनी कार को बिल्कुल एकदम झक्कास वाले तरीके से साफ कर दिया और अभी तो हल्क की कार बहुत शाइन मार रही है। तो अभी कार को तो मैंने एकदम चमका डाला है, तो अभी बारी है मेरी, तो अभी चलकर मैं भी नहा लेता हूँ, फिर मुझे पार्टी में भी तो जाना है। आज तो पार्टी में लोग मेरी कार को देख के एकदम हैरान हो जाएंगे। तो चलो अभी चलकर फटाफट से नहा कर आ जाता हूँ। ये देखो अभी हल्क ने कार को साफ कर दिया और अभी वो यहाँ से चला भी गया। तो चलो अभी चुपके से इसकी कार के पास में चलते हैं। तो ये देखो अभी तो मैं हल्क की कार के पास में आ गया, लेकिन जरा एक बार देख लेता हूँ कि हल्क यहाँ से गया या फिर नहीं। अरे वाह यार ये देखो अभी तो हल्क जा चुका है। तो चलो अभी फटाफट से इसकी कार के अंदर बैठ जाता हूँ। अभी फाइनली मैं तो बैठ गया हल्क की कार के अंदर। तो चलो अभी इसको जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी कार भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन यार इतनी सी जगह से इस कार को कैसे बाहर निकालूं? इसको यहाँ से घुमाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है और पीछे से मैं कार ले जा नहीं सकता, अगर वहाँ से लेके जाऊंगा तो हल्क तो मुझे पकड़ लेगा। ये क्या, इसके अंदर तो एक फ्लाइंग मोड का बटन भी है, जल्दी से इसको दबा कर देखता हूँ। और ये क्या, अभी तो हल्क की कार हवा में भी उड़ने लगी। ये देखो अभी तो ये कार आधी तो बाहर निकल गई है, तो थोड़ी सी रेस देता हूँ। तो ये देखो अभी तो कार को मैंने बाहर निकाल लिया। और गाइस ये देखो फाइनली मैं अभी हल्की कार को उसके घर से काफी ज्यादा दूर लेके आ गया। ये तो कार को तो मैंने चुरा लिया, लेकिन अगर इस कार को ऐसे ही वाइस टाउन लेके गया तो सब लोग पहचान जाएंगे कि ये हल्क की कार है। ये अभी कार तो चोरी कर ली है, लेकिन इसको अभी मेरे को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। और अभी हल्क की कार बनने वाली है मटेंट की सुपर कार। ये तो चलो यार अभी चलकर ढूंढते कोई ऐसी दुकान जहाँ पर हमारी कार मॉडिफाई हो सके। बताऊंगा सुपर सुपर हीरो को की सुपर कार क्या होती है ये तो अभी काफी देर ढूंढने के बाद मेरे को यहाँ पर एक शॉप मिल गई जहाँ पर की कार मॉडिफाई होती है। और ये देखो यार, ये आदमी तो एक कार को मॉडिफाई कर रहा है, लगता है इसी की दुकान है ये। तो चलो यार अभी इसके पास में चल के अपनी कार के मॉडिफिकेशन के लिए भी बात कर लेते हैं। जैसे ही कार मॉडिफाई हो जाएगी हम लोग इसे लेकर वाइस टाउन चलेंगे। अरे भाई साहब जरा एक बार सुनिए तो। अरे हाँ भाई बोलो यार क्या हुआ। ये डेंजरस विलन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मटन दिखाई नहीं देता, ये कार मॉडिफिकेशन की दुकान मेरी है और यहाँ पर कार्स को मैं मॉडिफाई करता हूँ। ऐसा क्या, तो डेंजरस विलन मेरी भी एक कार को मॉडिफाई करना है, बोलो कर दोगे क्या। अरे हाँ भाई मटन कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे कार को देखना पड़ेगा। ये देख लो डेंजरस विलन, ये खड़ी कार पीछे की तरफ में। अच्छा तो ये है तुम्हारी कार, अच्छा अभी एक बार इसके पास में चल कर देखता हूँ यार। लेकिन इस कार को देखने पे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस कार को मैंने पहले भी देखा है। ये डेंजरस विलन देखा होगा यार, ये एक सुपर कार है, तुमने जरूर इसे टीवी में देखा होगा। अरे हाँ शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन यार तुम्हारी कार मॉडिफाई हो जाएगी, तुम शाम के 6 बजे आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एकदम जबरदस्त तरीके से इसे मॉडिफाई करूंगा। ये ठीक है डेंजरस विलन, मैं आता हूँ शाम के 6 बजे, मेरी कार को बड़े अच्छे से मॉडिफाई करना। तो गाइस अभी चलते हैं, आएंगे शाम को 6 बजे, अपनी कार तब तक मॉडिफाई हो जाएगी। शाम को 6 बजे। आइए देखो यार अभी तो 6 भी बज चुके हैं। तो चलो अभी चलता हूँ इस डेंजरस विलन के पास, इसने मेरी कार को अब तक तो मॉडिफाई कर दिया होगा। ये तो वो देखो वो खड़ा डेंजरस विलन। तो चलो अभी इससे चलकर पूछता हूँ मेरी कार आखिर है कहाँ पर। ये डेंजरस विलन देखो शाम के 6 बज चुके और मैं आ भी चुका हूँ, लेकिन मेरी कार कहाँ पर है, उसको मॉडिफाई किया क्या। हाँ भाई मटेंट हो गई तुम्हारी कार मॉडिफाई, देखो ये रही, यहाँ पर मैंने इसे कपड़े से ढककर खड़ी कर दिया है। तो ये जो ब्लू कलर के कपड़े से ढकी हुई कार है क्या, यही है मेरी कार। हाँ भाई मटेंट यही है तुम्हारी कार, कपड़े को हटाकर अपनी कार को देख लो और ले जाओ। अच्छा तुम अपनी कार को ले जाना यार, मुझे क्या है दूसरी कार भी मॉडिफाई करनी है, तो मैं जाकर उसे मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो डेंजरस विलन तो गया अपनी दूसरी कार को मॉडिफाई करने। तो चलो अभी इस कपड़े को हटाकर देखते हैं आखिर हमारी कार कैसी दिखाई दे रही है। ये देखो गाइस ये रही हमारी कार, और इसका तो पूरा कलर ही चेंज हो गया और इसके बोनेट पे तो बिल्कुल मेरी फोटो लगी है। अब तो ये किसी भी एंगल से हल्क की कार नहीं लग रही, अब से ये कार है मटेंट की। ये तो मुझे मेरी कार काफी ज्यादा तगड़ी लगी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी। ये तो मैं अपनी कार को अभी वाइस टाउन लेके जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपको रोजाना देखने को मिले। ये तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।